तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज यार, आज जा रहे हैं रानीखेत और साथ में बने तिवारी जी। तिवारी जी से हेलो। हेलो, कैसे हो भाई लोगो? तो आज देखते हैं रानीखेत में क्या क्या है, वहीं नाइट आउट करेंगे आज, वहीं बाकी इन्जॉय करते हैं, वहीं जाके मज़े करते हैं आज। कब से नहीं गए रानीखेत यार? रानीखेत बहुत अभी गए थे केदारनाथ गए थे। हाँ, तो उस समय गए थे, करीबन 8-9 महीने हो गए, 6 महीने हो गए होंगे, 4-5 महीने हो गए यार। तो आज देख के आ रहे हैं, बहुत टाइम हो गया था रानीखेत में, एंजॉय करेंगे नाइट। आज नाइट आउट भी करेंगे, वहाँ फर्स्ट टाइम ही है ना नाइट आउट? हाँ, नाइट आउट फर्स्ट टाइम है। हाँ, तो चलते हैं, मजे करते हैं आज, दिखाता हूँ मैं आपको रास्ते में बाकी जो जो हम एंजॉय करेंगे। फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ भीमताल। मतलब भीमताल से बहुत यादें थी ना, आज मज़ा आ गया भीमताल आके। ये देखो भीमताल की ताल, तो अच्छा लगा था और इतना ठंडा हो रहा था ना, क्या बताऊँ। तो तिवारी जी, रास्ते में कैसा लगा? ठंडा हो रहा था क्या? ठंडा हो रहा हूँ। तुम तो यार पूरा पैक होके आए हुए हैं। भाई गर्म है क्या? गर्म है यार, बहुत गर्म है यार। ये तो मज़ा आ रहा होगा तुम्हें तो, तुम्हें ठंडा भी नहीं लग रहा होगा ना? ठंडा यार लग रहा है, बर्फ लग रही है। रानीखेत जाने में हालत खराब होगी लग रहा है मुझे। आपको क्या गिर जाए? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखी भी नहीं आज तक बर्फ गिरते हुए। तो वो है देखो ऊपर टॉप में कलकोटक मंदिर, ये है तिवारी जी कलकोटक। जाओगे एक दिन कभी कलकोटक मंदिर? कौन सा कलकोटक? ये जो टॉप में दिख रहा हो, जो मैं आप तुमसे कह दिया था कैंपिंग करने चलते हैं एक दिन यहाँ, वो है। और वहाँ से भी नीचे एक वो मंदिर है ताल के किनारे। यार क्या बात, आज बोटिंग नहीं चल रही? बोटिंग चल रही थी यार, उधर साइड चल रही थी, इधर साइड नहीं चल रही ना। हैं लड़कियां हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो गाइस आप फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कैची मंदिर के वहां पे। ये देखो आप कितनी भीड़ हो रही है यहाँ, देखो कितने लोग आ रखे हैं आज कैची मंदिर। ऊपर तो अभी इतना जाम हो रहा ना, ये देखो तिवारी जी अभी चलने के ऐसी मंदिर है, कल चलेंगे, कल चलेंगे यार, कल चलेंगे ना। जय श्री राम। तो यार तिवारी जी यहाँ पे लिखा है नो पार्किंग, और तुम तो बताओ यहीं पे लगा देते हो यार। अरे यार पार्किंग तब होगी जब मैं उतरूंगा। अपना ही है क्या? तो ये देखो यार कितनी भीड़ हुई है, देखो कितना हो रहा है, वहाँ पे इतने टूरिस्ट आ गए यहाँ। यार तिवारी जी टूरिस्ट यार 31st के टाइम पे आते थे, आज इतने कैसे आ गए? वही मेरे को भी लग रहा, कल शनिवार, आज शनिवार है ना, आज वही है आचार यूपी वाले। हाँ सब दिल्ली दिल्ली वाले ही हैं। ये देखो ये चले गए, देखो अचार बहुत होता है, फिर भी ना मंदिर के अंदर देखो नहीं हो पाएंगे आज, तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, कल ही जाएंगे यार आते समय ना। हाँ जब भी आएंगे ना कल 3-4 दिन बाद तभी जाएंगे। और यार मंदिर के अंदर बहुत अच्छा लगता है यार। तुम गए हो अभी? अच्छा अच्छा पदों का साहब तो कहते हैं बढ़ा देता हो। तो दोस्तों यार फाइनली अब यहाँ से चलते हैं मंदिर के अंदर, तो दर्शन हो नहीं पाएंगे। देखो आपको मैंने दिखाई दिया, तो चलते हैं आगे कहीं कुछ खाते हैं। तिवारी जी खाली क्या यहाँ पे फेमस है यार? मूंग दाल की पकौड़ी। हाँ मूंग दाल पकौड़ी बहुत बढ़िया लगती है यहाँ की ना, एक बार टेस्ट कर लेते हैं वहीं जाके, फिर चलते हैं आगे। उसके बाद रानीखेत ही रुकेंगे नहीं? हाँ सर वहीं रुकेंगे यार, आज चलते हैं अपना इंजॉय करते हुए। बढ़िया, कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से चलेंगे। तो फाइनली यार दोस्तों दुकान में रुके थे हम कुछ खाने के लिए, तो मंगा दिए पकौड़ी, ये आ चुकी है, अब खाते हैं बढ़िया करके, आनंद लेते हैं यहाँ। आज ठंडा इतना हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ठंडा हो रहा है। पकौड़ी और ये है चटनी, एक बार टेस्ट करके देखते हैं। पकौड़ी बढ़िया हुई ना, मज़ा आ गया वैसे खा के, चटनी भी सही लग रही यार, मज़ा आ रहा चटनी खा के। तो ये देखो कितनी प्यारी लोकेशन में रुके हैं, इतना ठंडा हो रहा ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों यार फाइनली देखो मैं पहुँच चुका हूँ खैरना क्रॉस करके। अब यहाँ से एक ये रोड सीधे जाती है अल्मोड़ा को, और ये वाली रोड जाती है खैर रानीखेत को। तो रानीखेत देखो है 31 किलोमीटर, अल्मोड़ा है तुम्हारा 33, और कर्णपुर आ गया 201। तो हम चलते हैं रानीखेत वाली तरफ को,
तो बाकी अभी हमारे साथ हैं, देखो तिवारी जी तो बने हैं वहाँ बाइक में, पहले चले गए ना आगे, उनको जल्दी हुई थी तो चले गए। बाकी आप पुल के नीचे देखो, एक पुल और बन गया, एक रास्ता ये हो गया, एक ये हो गया, अब दो बन जाएंगे यहाँ से रास्ते। तिवारी जी दो रास्ते हो गए नहीं यहाँ से आप रानीखेत जाने के लिए? हाँ ये नया बना है यार, नहाने में मज़ा आएगा नहीं यार, मारे क्या डुबकी? वैसी हालत ख़राब हो रही है, एक डुबकी मार ही लेते हैं जो इंसान घर में नहाता है, यहाँ ये तो है भाई, ये तो टफ है। कितना प्यारा लग रहा है पर ऐसे। अरे सर जितना जाम हो रहा था ना सब अल्मोड़ा की तरफ के लिए हो रहा था यार, यहाँ कोई नहीं आता। रानीखेत रानीखेत हम ही जा रहे हैं खाली लग रहा, बाकी लोग जा रहे हैं। हाँ काफ रहा भाई गाड़ी जा रही तो नहीं यार, डर भी लग रहा है। हिलना ना, कोई दिक्कत नहीं है, नए वाले में जाएंगे, रास्ता तो है वहाँ से। अब देखते हैं हिलता नहीं हिलता है। हिल्ला भाई हिल्ला, चलते हैं आगे, मिलते हैं आप लोगों से, दिखाते हैं आपको रानीखेत आज, क्योंकि नाइट आउट तो वहीं है। तो गाइस यार फाइनली हमने रानीखेत में रूम ले लिया है, ये देखो कितना प्यारा रूम है, बढ़िया। बाकी हमारा वॉशरूम वॉशरूम है, कोई दिक्कत नहीं है तिवारी जी, बढ़िया नहा के जाएंगे हैं। और बाकी रूम ये है, बाकी आज टीवी भी देखते हैं रात को बैठ के हैं। अपना ही ब्लॉग है, अरे कंबल है यार यहाँ, बढ़िया रात के लिए सही हो गया, आनंदमय हो गया। बाकी यहाँ से देखो ये हम सामने बस अड्डा हमारे मंदिर के बगल में है, वो तो हमने यहीं पे ले रखा है रूम, और बगल में हमें जाना है अभी यहाँ शादी में ऊपर वाले में, तो बढ़िया इंजॉय करते हैं यहाँ। उसके बाद नहीं तिवारी जी चलते हैं अभी नीचे को, इसके बाद हेलो आई नहीं तुम क्या बात, आओ फिर आओ। गाइस यार बहुत टाइम बाद फोन यूज करने का मौका मिला, कब से देखा ही नहीं यार मैंने तो। शिवानी को बढ़िया वो दे देते हैं रूम टूर। यह वार्डरोब, जब जरा फ्लैश, ये मैं रेस्ट करता हूँ, और ये चलाना नहीं है ऊपर वाला फैन। ये चलाएंगे तो हम चलने लग जाएंगे कल। बाकी जाते हैं बाहर को, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस यार आपको ब्लॉग जैसा भी लगा होगा बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और दोस्तों को शेयर करना। बाकी आगे चलेंगे दिखाएंगे जैसा भी होगा रानीखेत के बारे में, तो अभी तो रात हो गई है, अब रेस्ट करते हैं यहीं बैठते हैं, उसके बाद जाएंगे कहीं देखेंगे। अब हमें बगल में शादी में जाना है तो वहीं जाते हैं, इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। ओके अभी के लिए बाय।